वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करेंगे एंड उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम डिराइव करना सीखेंगे. वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट फर्म्स डोमेस्टिक हाउसेज. तो ये सारा हम लोग डिफरेंट एंड डिफरेंट इकोनॉमिक स्टडीज लाइक केन्शियन क्लासिकल न्यू क्लासिकल मॉनिटरिस्ट ये सारा इसमें कवर होगा. अगेन यू नो CB2 को रिसेंटली लाइक लास्ट 2 years में सिलेबस हैज़ बीन अपडेटेड अ लॉट. अभी अप्रैल 2024 में उसके पहले जस्ट अप्रैल 24 के पहले ऑल्सो देयर वर अ फ्यू अपडेट्स. देयर वाज अ टॉपिक कॉल्ड बिहेवियरल फिनेंस विच वाज देयर अर्लियर इन CM2. वो अभी इसमें आ गया है. सो अ लॉट ऑफ बिहेवियरल फिनेंस जहां हम लोग बिकॉज यहाँ पे क्या है हम लोग यूजली इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन बनाते हैं दैट पीपल आर रैशनल बट एक्चुअली पीपल आर नॉट रैशनल. हम लोग क्या अपना कोई डिसीजन आपके पास 100 रुपीज है मैं आपको बोलूंगी कि आप इस 100 रुपीज से क्या खरीदोगे. यू विल ऑब्वियसली मेक अ डिसीजन विच विल बी मैक्सिमाइजिंग योर सेटिस्फैक्शन. बट हमेशा आप ऐसे नहीं करते. आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीद लिया तो उससे क्या फायदा हुआ उससे आपको क्या फायदा हुआ बट आपको आप बोलोगे मुझे इमोशनल फायदा हुआ. तो ये क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि people are not always rational and hence we have something called as behavioral finance, behavioral economics. We'll be studying different behaviors of people, how it affects decision making of individuals and of firms and at the end how it affects the entire economy. Very interesting.